अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने हरियाणा एसएससी कंडक्टर का जो पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट का पेपर, आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज का सेट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर आपको एक अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन का चयन करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। सी हैज 3 चिल्ड्रन, फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर क्या है, हर फर्स्ट हस्बैंड। तो आपको इनमें से चूज करना है। इसका जो आंसर होगा क्लास, वो होगा आपका बाई, यानी यहां पर बाई का इस्तेमाल किया जाएगा। सी हैज 3 चिल्ड्रन बाई हर फर्स्ट हस्बैंड। इनमें से और किसी भी प्रीपोजिशन को यहां पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बच्चे फ्रॉम में कंफ्यूज होंगे, लेकिन याद रखना इसका आंसर फ्रॉम नहीं होगा, इसका आंसर होगा बाय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया और यहां पर बोला है द मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या। तो ये जो सी आई डी ई है ना, ये रूट वर्ड होती है आपकी, जिसका मतलब होता है हत्या। लेकिन यहां पर तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है, जिनके अंदर सी आई डी ई है आपकी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। देखिए, सोरोरी साइड होता है सिस्टर की हत्या, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सुसाइड होता है खुद की हत्या, तो ये भी नहीं हो सकता। फ्रेटिसाइड जो होता है, ये ब्रदर की हत्या होता है, ठीक है। और जो जिनोसाइड होता है, ये लगभग अगर सबको ही मार दिया जाए तो वो होता है जिनोसाइड, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेटिसाइड, यानी कि सी विल बी योर राइट आंसर। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कॉन्जेक्चर। इसका मतलब होता है गैस करना, ठीक है। तो ये वो कैब आपको डायरेक्ट याद करनी होगी। इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन होंगे वो इससे मेल नहीं खाएंगे आपका, ठीक है। तो वो कैब को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। मेरी वीडियोस जो हैं, जहां पर मैंने आपको 10 सेट प्रोवाइड किए, उनको बहुत अच्छे तरीके से देखें। आगे के सेट भी मैं प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीक से, तो उनको ध्यान से करें, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे बैग एंड बैगेज, यहां पर आपका फिर एक इडियम आया। तो मेरे जो सेट है, उसके अंदर इडियम्स भी कवर कर रखे हैं। तो इसमें ऑल द क्लोथिंग्स नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विदाउट एनी बिलोंगिंग, ये भी गलत हो जाएगा। लीव करना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, ठीक है। सारे के सारे सामान के साथ अगर कोई जाता है तो उसको क्या कहेंगे, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, वो चला गया। पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा क्वेश्चन है फेयर्स आर डैश हाई इन द सिटी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक्सटेंशनली। इसका मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि फेयर्स आर डैश हाई इन द सिटी। नेक्स्ट देखिए, एक्स ऑर्बिटेंटली, इसका मतलब होता है ज्यादा ऊंचा, ज्यादा हाई होना, ठीक है, बहुत ज्यादा होना। तो ये सही लग रहा है कि जो फेयर्स का जो रेट है, किराया है जो, वो क्या है, बहुत ज्यादा है शहर में। जो आपका थर्ड ऑप्शन है फैसिनेटेडली, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है पैशनेटली, तो पैशन जो होता है वो क्या है, इमोशन से रिलेट करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर होगा क्या, बी, ठीक है। तो बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में फिर आर्टिकल का इस्तेमाल करना बताया है यहाँ पे, कि आपको सही आर्टिकल का चयन करना है। मेरे पास है लेट्स गो टू डैश मैक्सिको। जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, उसमें भी दो आर्टिकल्स के क्वेश्चन आए हुए थे, और यहां पर भी आप देख सकते हो कि दो आर्टिकल्स के क्वेश्चन आए हैं, सिक्स्थ और टेंथ। तो मैक्सिको, आर्टिकल्स को अगर समझना है तो नाउन को समझना होता है। जो हमारा नाउन होता है, उसी से पता चलेगा आर्टिकल कैसा आएगा। जो मैक्सिको है, ये एक प्रॉपर नाउन है। और याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो चीजें हैं, ये मैंने जो नाउन की वीडियो बनाई है, उसमें भी आप देख पाओगे, मैंने जो सेकंड वीडियो है या जो फर्स्ट वीडियो है, पार्ट वन और पार्ट टू है, इन्हीं चीजों पे फोकस किया है कि कब आपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो ये आपका यहां पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
नो आर्टिकल, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाइए। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर आपको वो वर्ड बताना जो इसकी मीनिंग को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो देखिए क्या है यहां पर हमारे पास क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन है विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो इस चीज को सेटिस्फाई करता हो, इससे मेल खाता हो, विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चीज बिल्कुल फ्री में हो। तो इसके लिए तो हमें वोकैब का सहारा लेना पड़ेगा, एक एक चीज की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ए देखिए क्या है, हेडोनिस्ट का मतलब होता है एक बिलीफ जिसमें प्लेजर और हैप्पीनेस को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा जाए लाइफ में, यानी ऐसा व्यक्ति जो हैप्पीनेस और प्लेजर को लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे वो कौन होता है आपका, हेडोनिस्ट, ठीक है। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट से मेल नहीं खाता, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। बी देखते हैं, बी है ग्रेटिस, ये होता है विदाउट मनी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, इसको रखते हैं अभी। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन का होता है प्रीसियस, इसका होता है मतलब वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल तो बिल्कुल भी नहीं मेल खाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट से। फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, स्टोइक, स्टोइक होता है वन हु एक्सेप्ट व्हाट हैपेंस विदाउट कंप्लेनिंग, यानी जो कोई बिना शिकायत किए सब कुछ सहन कर ले उसके साथ जो भी हो, ठीक है, तो वो स्टोइक होता है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि जो सबसे ज्यादा मेल खाता है वो वर्ड क्या है आपका, बी है। डी भी यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, एट्थ क्वेश्चन में आपको चूज करना है अपोजिट इन मीनिंग, उल्टा जो वर्ड आपका गिवन है वो है आपका कॉन्सेंसस, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट, लेकिन बताना क्या है, उल्टा। तो एग्रीमेंट का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वो होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट विल बी योर आंसर, ठीक है, सी आंसर होगा एट का। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक इडियम है और उसकी मीनिंग बतानी है। तो नाइन्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो इडियम है वो है बेड ऑफ रोसेस। तो देखिए बेड, बेड कौन सी जगह होती है जहां पर हम रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बेड जो है वो कंफर्ट को, खुशी को, रिलैक्स होने को इंडिकेट करता, तो वो भी बेड कैसा, वो भी रोसेस का, तो फुल ऑफ जॉयस ये हो सकता है, रख लेते हैं इसको, चलिए। वेरी सॉफ्ट बेड ये नहीं होगा, ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है फुल ऑफ जॉयस, ठीक है, बिलोंगिंग टू या डुल लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अब टेंथ देखिए क्या है, टेंथ में बोला डैश नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यहां पर देखिए छठा और दसवा दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आर्टिकल्स पे बेस्ड है, तो आर्टिकल्स को बड़े ध्यान से करें आप, ठीक है, हो सकता है आगे वाला जो होगा उसमें भी अगर पैटर्न सेम रहा तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो सीधी सी बात है कि अगर यहां पर रिवर होता तो फिर तो एनी केस होता, ठीक है, लेकिन नाइल, क्योंकि हमें पता है कि नाइल एक ही रिवर है पूरे विश्व में, तो स्पेसिफिक केस हो गया, स्पेसिफिक है तो आपका क्या ले लेगा, ये आर्टिकल द आ जाएगा इसके आगे, ठीक है, ये आंसर होगा द नाइल, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें।